नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज दूसरा दिन है। थोड़ी देर में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। 42,000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है ये बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ये बजट पेश करेंगे। अनुपूरक बजट आज पेश होना है। कई योजनाओं की घोषणा सरकार कर सकती है। तो आपको बता दें कि अनुपूरक बजट आज सरकार पेश करने वाली है। करीब 42,000 करोड़ का यह बजट हो सकता है। कई योजनाओं का ऐलान भी संभव है कि किया। तो आपको बता दें कि 42,000 करोड़ रुपए का यह बजट हो सकता है। अनुपूरक बजट सरकार आज पेश करने वाली है। चलिए इस खबर के बारे में और विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन इस समय आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोल रहे हैं। माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं, उस प्रकार की उन्होंने चिंता की है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है, जिनके नेतृत्व में हर एक देशवासी सुरक्षित है। पूरे देश ने देखा कि जो हमारे मजदूर भाई टनल के अंदर थे, तो जो सबसे अच्छे प्रयास दुनिया के हो सकते हैं, वो इस रेस्क्यू अभियान में हुए हैं। प्लस सर, ऋषिकेश एम्स भी बेहतर इलाज के लिए सरकार ले जा रही है और आपने पुरस्कार राशि भी दी है अभी। देखिए, ऐसा है कि वो तो पुरस्कार राशि नहीं है, प्रोत्साहन है कि सब लोगों का, चूंकि इतने बहादुरी से उन्होंने काम किया है और इतने दिनों तक, 16 दिनों तक, 17 दिनों तक लगातार टनल के अंदर रहे हैं और पूरी हिम्मत उन्होंने बांधी रखी और उन्होंने हमारे लोगों की भी जो बाहर थे उनकी भी हिम्मत बढ़ाने का काम किया है। और अब चूंकि जो चिकित्सक हैं उनकी परामर्श के अनुसार उनको एक बार ऋषिकेश एम्स में भी एक बार उनकी जांच हो जाएगी और जांच के उपरांत जो भी डॉक्टरों का निर्णय होगा। थैंक यू सो मच। कहां पर खड़ा होना है सर? तो देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि उन मजदूरों ने न सिर्फ अपना हौसला बनाए रखा बल्कि हमारा भी हौसला बढ़ाया, जिसकी वजह से हम उनको सुरक्षित बाहर निकाल पाए। चलिए अब रुक करते हैं खबर की, अगली खबर की ओर। बात कर रहे थे हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा के शीतकालीन सत्र की, दूसरा दिन है। सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। आपको बता दें कि विधानसभा के बाहर सपा ने प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी के विधायक प्रदर्शन करते नजर आए, नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक। तो अब देखिए, एक तरफ आज अनुपूरक बजट पेश होना है और वहीं दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए तो समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सदन के बाहर की यह तस्वीर। पीडीए का उत्पीड़न लगातार प्रदेश में हो रहा है। हम लोग इन सब बातों को लेकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, इन सब बातों को लेकर समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों ने आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर धरना दिया और हम लोग ना इनको चैन से बैठने देंगे और ना चैन से बैठेंगे जब तक ये पीडीए का उत्पीड़न नहीं रोकेंगे, जब तक ये सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा को बहाल नहीं करेंगे, जब तक ये एम्बुलेंस को दोगुना नहीं करेंगे,
मेडिकल कॉलेज जो नाम के खोले उसमें डॉक्टरों और मशीनों का स्थापना नहीं करेंगे जब तक हमारे सभी विधायक आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस धरने को जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश बेहाल है। आज बड़ा सवाल है, वो किसान जिसने बड़े संकट से अपनी खेती को बचाई हो साणों से, आज उस अन्नदाता का आज उत्पादन खरीदा नहीं जा रहा है। धान क्रय केंद्रों की बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार, आज धान केंद्रों की क्या स्थिति है? तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, क्या जानकारी? आज सरकार अनुपूरक बजट पेश करने वाली है, बजट लगभग 42,000 करोड़ का हो सकता है। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में सदन में पहुंच जाएंगे। इस समय जो है चर्चा पर चर्चा चल रही है, क्वेश्चंस के जवाब दिए जा रहे हैं। 42,000 करोड़ रुपए का इस बार अनुपूरक बजट जो है पेश किए जाने की संभावना है, जो कि पिछली बार से लगभग 9,500 करोड़ रुपये ज़्यादा का बजट है। जाहिर सी बात है कि चुनावी वर्ष है, अगले साल चुनाव होने हैं, राम मंदिर का 22 को उद्घाटन होना है, 22 जनवरी को तमाम जो योजनाएं हैं, तमाम जो है जो कार्य हैं अभी भी बचे हुए हैं, जो कि जनता के हित से है, क्षेत्र की समस्याएं उसको लेकर है। अयोध्या के लिए बजट एक फिर से उम्मीद है कि बजट जो है, हालांकि पिछली बार भी जब मुख्य बजट पेश किया गया था उसमें अयोध्या को भारी भरकम बजट दिया गया था, लेकिन अभी बजट और भी दिया जाना है, क्योंकि इस बार जो है दीपोत्सव वहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो उस समय जो है दीपोत्सव फिर से वहाँ पर होगा बहुत बड़ा। इसके अलावा प्राधिकरण को जो है भारी भरकम बजट दिया जाएगा, साथ ही साथ PWD को बजट दिया जाना है, क्योंकि सड़कों की समस्याएँ अभी भी बरकरार है। जो गांव क्षेत्र हैं या सड़क हैं वहाँ पर अभी भी जो है बहुत से मार्ग हैं जिनको जोड़ा जाना है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़े जाने हैं, तो ऐसे में इनको बजट दिया जाना है। इसके साथ साथ जो है कृषि को लेकर जो है एक भारी भरकम बजट कृषि को भी है, 500 करोड़ रुपए का बजट जो है वो सूचना को देना है, चूँकि प्रचार प्रसार के देना है प्रचार प्रसार, तो ऐसा लगता है कि लगभग जो है 500 करोड़ का बजट जो है वो सूचना विभाग को भी मिल सकता है, जिसमें कि प्रचार प्रसार से लेकर तमाम चीज़ें हैं, चूँकि चुनावी वर्ष है, ऐसे में सरकार को अपनी उपलब्धियाँ ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना है। उधर अगर विपक्ष की बात की जाए, अगर विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष लगातार जो है ये सिरे से वो नकार रहा है, सिरे से वो उसका साफ तौर से कहना है कि सरकार हर मामले में विफल रही है। स्वास्थ्य विभाग के लिए चाहे वो अस्पतालों में भर्ती को लेकर है, चाहे अस्पतालों की बात कर ली जाए, सड़क की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, किसी भी उस पर देख लिया जाए, सरकार ने कहा था कि गड्ढा मुक्त होगी, फिर 6 महीने बाद गड्ढा मुक्त होगा, फिर 1 साल बाद होगा, ऐसे 6 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में सड़कों का हाल बेहाल है। कानून व्यवस्था की बात की जाए वो भी उसी तरह से चरमराई हुई है। तो कुल मिला के विपक्ष अपनी राग राप रहा है, लेकिन सरकार का जो है ये 42,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया जाना है, जो कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पटल पर रखेंगे। उसके बाद जो है उस पर अब ये देखना होगा कि 42 कितने का आता है, लेकिन सोर्स ये बता रहे हैं कि लगभग 42,000 करोड़ रुपये का बजट इस बार पेश किया जाएगा। क्या अभिनव, तो मुख्य फोकस जो है वो किस विभाग पे रह सकता है, और किस, क्योंकि कुछ तो सूत्र आपके बता ही रहे होंगे कि किस विभाग को कितना अलॉट होना है, और साथ ही साथ क्या मेन फोकस अगर हम देखें तो वो अयोध्या ही रहेगा, क्योंकि अगले साल 22 जनवरी को मंदिर का भी उद्घाटन होना है, तो क्या मुख्य फोकस जो है सरकार का वो अयोध्या ही रहेगा? देखिए, बिल्कुल अयोध्या तो रहेगा ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ही भी ये मुख्य फोकस है, चुनावी एजेंडा रहा है हमेशा से, और ऐसी सूरत में अब 24 में चुनाव होना है, वो भी तब होना है जब चुनाव की आचार संहिता लगने से ठीक महज कुछ ही दिन पहले चुनाव वो राम मंदिर का उद्घाटन होना, उसके पहले जो है तमाम जो विकास के कार्य हैं, बहुत सी सड़कों को वहाँ पर वो करना है, जो प्राधिकरण के लिए अयोध्या के लिए भारी भरकम बजट है। आपने सही कहा कि मुख्य फोकस अयोध्या रहेगा, लेकिन इसके अलावा मथुरा में भी रहेगा, चूँकि वहाँ कॉरिडोर बनाया जाना है, प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने भी वहां पर जो है घोषणा कर गए हैं। इसके अलावा जो है अगर आप देखिए तो जो किसान है, कृषि उत्पादन को लेकर जो है उसको, उस पर भी सबसे ज्यादा, चूंकि किसानों को नाराज नहीं किया जा सकता, किसानों के लिए जो भी है। साथ ही साथ मैं बता दूं, सड़क ये भी एक बहुत मुख्य बिंदु है जिसको कि सरकार को रखना है, और उसको उसके लिए भी PWD को भी भारी भरकम बजट इस बार इस जो अनुपूरक बजट है उसमें दिया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिनव आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली।
तो देखिए, योगी सरकार अपना अनुपूरक बजट पेश करने वाली है अब से कुछ देर बाद ही। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन पहुंचेंगे और उसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वो बजट पेश करेंगे। रुक करते अगली खबर की ओर। चिन्याली सौड़ अस्पताल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुरंग से निकाले गए श्रमिकों से उन्होंने मुलाकात की है। सीएम धामी ने मजदूरों को सहायता राशि दी। सभी मजदूरों को एक एक लाख का चेक दिया गया है। तो आपको बता दें कि कल देर शाम जिन श्रमिकों को टनल से निकाला गया उन सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, एक तरीके से उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए। और ये देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिलने के लिए पहुंचे उन श्रमिकों से और प्रोत्साहन राशि इसे कहना शायद ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जंग लड़ी है अपनी जिंदगी की वो काबिले तारीफ है। और एक एक लाख रुपए का चेक सौंपते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं। दिल में और दिमाग में हम लोग को कुछ नहीं, जैसे जो ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया, लेकिन धीरे धीरे हमारी नवजुगा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी जो है सो हमारी प्रयास में लगे रहे। हर जगह से व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था, खाना पीने की व्यवस्था और बाहर से मशीन जो आई, बाहर से मंगाए गए, देश से विदेश से अपना मशीन मंगाए गए, इंडिया से भी मशीन कुछ आए, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ आए और इंडिया IDRF वाले आए, SDRF वाले आए, वो लोग सब हमारे देशवासियों भारतवासियों पूरा हम लोग को प्रयास में निकालने की कोशिश किया। और मुख्यमंत्री हमारा उत्तराखंड का जो है वो हमारे प्रयास में लगे रहे हम लोग को निकालने के लिए। और हमारे झारखंड के भी चीफ मिनिस्टर भी आए और इधर प्रधानमंत्री सब हर व्यवस्था की। मैं उत्तराखंड की जो पहाड़ प्रॉब्लम होती है उसमें फंसा था। हमें वहाँ पे सिर्फ 24 घंटे ही दिक्कत हुए, जिसमें कि खाने को, हवा। उसके बाद हमारी कंपनी ने मेरे को पाइप के द्वारा खाने के लिए काजू, किशमिश, मूढ़ी जो भी हुआ वो भेजे। और मेहनत करने के बाद 10 दिन के बाद हमें फिर दाल चावल रोटी की खाने का मिला। मुझे तो कंपनी से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को वहाँ पे कुछ इतना खास दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन वही है कि ज़रा दिक्कत हुई 24 घंटे के लिए। और क्या बताऊँ मैं, अगर मैं स्वस्थ हूँ कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फोटो पास में ही है, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप लोग से दुआ है, आपकी मेहनत है सर, केंद्र सरकार राज्य सरकार की, जिससे मैं निकल पाया आज आप लोग के सामने हूँ। नहीं तो अंदर क्या होती है तो मैं ही जानता था। और वहाँ जो केविटी होती थी उससे हमारे 2 दिन जरा प्रॉब्लम तो हुई, बाकी बात कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे निकल गया वहाँ से, सुरंग में से निकल गए थे, जैसे बात हो गई थी हम सबको, मतलब कि हम निकल आए हैं, बात करके कह रहे थे कि हम जा रहे हैं कहीं मेडिकल चेकअप में लेके गए थे, तो थोड़ी देर के बाद कह रहे थे कि हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे घर के लिए, ये बोल रहा था लड़का। सुरंग में जब फंसा था लड़का तो ऐसा लग रहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है, जैसे भी 17 दिन वो जब अंदर था तो ऐसा लग रहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब वही लड़का के सहारा के लिए बैठे थे, उनके पापा नहीं थे। कि एक माँ के दिल में यही जानती है कि क्या के दिल में क्या बीत रहा होगा, कि मतलब लड़का कमाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं फिर भी माँ को कितना टेंशन होती है। जब इतना हक्सा हो गया तो वो माँ के माँ ही जानती होगी कि उसके दिल में क्या बीत रही थी। मतलब हमारे दिल में ऐसे सबको महसूस हो रहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है, सब चीज़ खो गया है, ऐसा लग रहा था। अब 17 दिन के बाद बाहर निकल गया है
तो हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी के दिन है जी, बहुत खुशी, सभी लोग खुशहाली मनाए, दीपावली जैसे मनाए, हर चीज सुबह सुबह के टाइम है, हर कोई मतलब सारे रौनक सी पहले हो रहा था कि जब बाहर निकले हैं तो उनको सभी को बच्चों को खुशी मिला, हमारी मम्मी, हमारी जो बहू है, सभी को, बहू सारे सबको खुशी मिला है और अच्छी खुशहाली हुआ है। और कह सबकी मतलब उत्तराखंड सरकार वाले को बधाई दिए हैं सभी मिलके बच्चे, और ये मोदी जी को हमारे इसको भी बधाई दिए हैं और योगी सरकार को कि हमारे बच्चों को सुरक्षित निकाले हैं, हमारे बच्चों को अच्छे से देखभाल करके निकाल के, जो 17 दिन बीत जाने के बाद सारे की उम्मीदें टूट रहा था कि हमारे बच्चे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, और फिर जब निकल गए तो सारे हर बच्चे को खुशी में आया, मतलब रौनक हुआ कि हर बच्चे खुशहाली मनाने लगे दीपावली की, हमारे बच्चे अब घर आ जाएंगे। सर फोन पे बात हुई है 4 बजे, अब भी मैंने 4 बजे फिर बात हुई है मैंने अस्पताल पे है यही कि मैंने अस्पताल। और देखिए टनल से जिन मजदूरों को निकाला गया है, कल उनके परिवार ने दीपावली मनाई है। श्रावस्ती के कई मजदूर थे जो वहां फंसे हुए थे। दुर्गेश हमारे सहयोगी जो कि इस समय श्रावस्ती से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वहां पे एक मजदूर के पिता भी हैं। दुर्गेश सबसे पहले तो आपके पास आ रहे हैं और जानना ये चाहेंगे कि गांव में किस तरीके का जश्न का माहौल है। जी बिल्कुल, आपको बता दें श्रावस्ती जनपद के हम इस वक्त मोतीपुर कला गाँव में मौजूद है, जहाँ पर यहाँ के मजदूर 6 मजदूर फंसे हुए थे टनल में, और जब वे 17 दिन के बाद टनल से बाहर आए हैं जिसके बाद इनके परिजनों में खुशी का माहौल देखा गया है। और ये बीती रात इन्होंने दीपावली एक तरह से बढ़िया से दीपावली मनाए हैं, क्योंकि 12 तारीख को जब दीपावली थी, 12 तारीख के बाद 12 तारीख को हादसा हुआ था, जो मजदूर के परिजन है वो दीपावली नहीं मना पाए थे। जब इनके जो परिजन है, इनके कोई बेटा या कोई भाई, जब वो बाहर निकले हैं कल, इसके बाद दीपावली यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाई गई है। जी तो आपके साथ पिता भी हैं जो मजदूर वहां फंसे हुए हैं, जरा उनसे भी बात कीजिए कैसा महसूस। जी बिल्कुल, आप बात करेंगे, उनके बेटे वहां पे मजदूर फंसे हुए थे टनल में, और इनसे हम जानेंगे क्या कहना चाहेंगे, वो चेहरे पे खुशी की लहर, क्या कहना चाहेंगे 17 दिन के बाद आपका बेटा निकला। हम कहना ही चाहते हैं कि अब वो आ जाए तब हम लोग मनाएंगे खुशी, सब नाच पाट आएंगे और मनाएंगे दीपावली। कुछ तो कल गोला वाला डागे थे, आ जाएंगे घर पर तो फिर मनाएंगे, तब जो बनेगा सब खाएंगे पिएंगे, सब कोई खुशी से मनाएंगे, सब इकट्ठा होकर के नाच बाटाएंगे। अच्छा 12 तारीख को दीपावली थी, 12 तारीख को हादसा होता है, 12 तारीख बाद आप लोग दीपावली, तो अब दीपावली मनाएंगे जब आपका बेटा घर आ जाएगा। हाँ घर आ जाएगा तो मनाएंगे दीपावली, घर आए तो इस समय में है उत्तरकाशी में अस्पताल में है, अब दीपावली हो रहा है तो अब लखनऊ जाने के लिए, अब दीपावली हो जाएगा तो लखनऊ जाएंगे, तो बुलाए हैं साहब। अच्छा चाचा ये बताइए, आपका जब जो लड़का है टनल से बाहर आया, उससे बात हुई इसके बाद? आज बात हुआ है कि पहले नहीं हुआ था, बच्चों से हुआ था, आयु अपने आयु से बात किए। अच्छा जो टनल में फंसे थे उनसे बात हुई, जो आज निकले हैं कल शाम? हाँ जी जी बात हुआ है, हमसे तो नहीं हुआ, मुझे घर वालों से हुआ है। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि हम लोग सुरक्षित हैं, अब चिंता मत करो, हम बाहर निकल जाए, फोटो वोटो देखा है, ये बात वे लोग कर किए तो जानो हम कर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को कहा, अब हमारे ओर से सरकार ने बहुत मदद किया है हमारे ओर से। तो ये थे उनके परिजन थे, वो कह रहे थे। दुर्गेश और भी जरा जानने की कोशिश कीजिए, दुर्गेश जी जरा ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि ये जो 17 दिन बीते, क्योंकि दीपावली का दिन था, और हमारे तरफ अगर बिहार और यूपी की बात कर ली जाए पूर्वांचल की, तो छठ पर्व भी काफी अहम होता है, तो ये पर्व त्योहार का सीजन था, और ये पूरे सीजन इनका बच्चा जो है वो एक सुरंग में फंसा रहा, किस तरीके से परिवार पर, परिवार ने किस तरीके से इस दौर को गुजारा, इस वक्त को गुजारा? जी बिल्कुल,
हमारे साथ प्रधान है गांव के, जो मोतीपुर कला है, ग्राम सभा के प्रधान है। इनसे जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे कि 17 दिन बाद एक ग्राम सभा के जो मजदूर थे, मजदूरी करने गए थे, क्या कहना चाहेंगे। प्रधान जी, आपके ग्राम सभा के 6 मजदूर फंसे थे टनल में, वो निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे। छठ के पूजे में भी नहीं थे, क्या कहना चाहेंगे। क्या कहना सर, तो इनके प्रधान जी का कहना था कि बहुत खुशी है और इनके परिजन से बात करेंगे, पर ये बताइए चित्रा कि आपका बेटा भी नहीं था, कैसा छठ पूजा जो मनाया जाता है उसको नहीं मनाया, और क्या नहीं मनाया आप लोग। अब उसने अफसोस खा, खाना कोई नहीं खाया, खाना नहीं करना। तो अब स्वागत की कैसी तैयारी है दुर्गेश, अब स्वागत की तैयारी कैसी है, क्योंकि बेटा एक ऐसी जंग लड़ करके वापस आ रहा है जहां कई बार उम्मीदें परवान चढ़ती थी, फिर उम्मीदें धूमिल होते थी, हर एक दिन ऐसा लगता था कि आज ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, आज ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, तो वक्त खिंच रहा था। अब जब बेटा वो जंग जीत कर आ रहा है, तब मतलब अनुभव कैसा है और स्वागत की किस तरीके की तैयारी है। जी बिल्कुल, आपको बता दें जी, इस हादसे के बाद ये गांव में पूरा परिजन है वो दुख की घड़ी में बीत रहा था। और जब ये कल इनके जो मजदूर हैं, जो इनके परिजन, जो लड़के, किसी के बाप, किसी के जो ये निकले हैं, इसके बाद पूरे गांव में एक खुशी की लहर है। बिल्कुल दुर्गेश, खुशी की लहर है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये सभी जंग जीत कर लौटे हैं और पूरा परिवार जो है, पूरा परिवार ही नहीं, आज पूरा देश जो है वो जश्न मना रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरीके से था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।